नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, पता चल गया होगा। इसकी वैकेंसियां आ चुकी हैं, आप सरकारी रिजल्ट पे जाके सब कुछ देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हमने शेयर कर दी है। स्टडी विद नीरज सर मेरा टेलीग्राम चैनल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी अच्छी चीजों को आज हम आपके सामने शेयर करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजों को, जिससे जो है मेरे बच्चों आपको अच्छी चीजें मिले, बहुत अच्छी चीजें मिले, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद नीरज सर, इस पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल है। अब आपको इसमें से सिलेक्शन लेना है, एक वैकेंसी में क्या करना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप यूपीपी बन जाए, आपका सपना साकार हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है देखने के लिए आपके लिए, ठीक। बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, 27 पेज है, कम समय लूंगा। वेतनमान देख लीजिए, वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपया 21,700, मतलब ग्रेड पे कितना है 2,000, ठीक है। चलिए, इसमें हम और जो चीजें हैं उनको देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी देखिए, ये उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ी वैकेंसी है मेरे बच्चों, यूपीपी की सबसे बड़ी। कितनी 60,244 पदों पर जो है वैकेंसी निकली है, 60,244 पदों पर वैकेंसी निकली है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। अलग अलग पद हैं, अनारक्षित के 24,102, ईडब्ल्यूएस के 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16,264, अनुसूचित जाति के 12,650, अनुसूचित जनजाति के 1204, टोटल है 60,244। ये बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है, इतना आप समझ लीजिए, और निष्पक्ष भर्ती होगी। आगे देखिए, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ हो गया है, ठीक है। 27/12/2023 से आपको स्टार्ट है, अंतिम तिथि है 16/1/2024, और शुल्क में संशोधन, आवेदन में संशोधन 18/1/2024 को डेट रखी गई है। आवेदन शुल्क प्रक्रिया ₹400 आपको ₹400 पड़ेगा, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है इसको भर सकता है, और ₹400 इसकी फीस रखी गई है, ठीक है, ₹400 इसकी फीस रखी गई है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक, बस जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या भारत सरकार मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष को अर्हता होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, कुल मिला के मैं आपको ये बता दूं, ठीक, कि इंटरमीडिएट 10+2 इसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10+2 इंटरमीडिएट जो है, ठीक है, वो इसमें जो है डाल सकता है फॉर्म। चलिए आगे और बढ़ते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वही मैं आपसे शेयर करूंगा, बाकी जो है नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए आयु, आयु में फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो एज को लेकर के चीजें चल रही हैं, एज में कोई छूट अभी नहीं दी गई है, कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें 1 साल की छूट दी गई थी, कितने 1 साल की छूट जो है दी गई थी, लेकिन परेशान ना हो, चीजें अच्छी ही होंगी, एज में आपको छूट मिलेगी और मिलने की जो है प्रबल संभावना है। आगे देखिए, अभी तो आज नोटिफिकेशन आया है, आप देखिए इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या नहीं परिवर्तन होता है, ठीक है, क्या इस पे जो है होगा, क्या चीजें होगी, बच्चे क्या करेंगे एज के लिए, ये तो बात की बात है। चलिए आगे देखते हैं, और हमसे जो सहायता होगी आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपके लिए तत्पर हूं, जो भी आप कहेंगे उसके लिए मैं जो है बिल्कुल बिल्कुल जो है तत्पर रहूंगा। अब देखिए, हाँ, भर्ती प्रक्रिया, इसमें इसको भी आप लोग देख लीजिए, थोड़ा मैं इसको जो है जूम कर दूं जिससे जो है और ज्यादा समझ में आए। देखिए, भर्ती प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया, यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015
कोई बात नहीं, चलिए लिखित परीक्षा की ओर बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा इसको भी देख लो, कल हमने सिलेबस पे एक वीडियो बनाया था यूपी पुलिस पे, ऐसे भर्ती जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे ऑफलाइन, ठीक ध्यान रखना। 300 अंकों की होगी, समयावधि 2 घंटा, 300 अंक होंगे परीक्षा जो है, कल हमने बताया था परीक्षा 300 अंकों की होगी, 2 घंटे का समय होगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना। और 4 विषय होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता। इसको मैंने कल आपको सिलेबस में बताया था, जो भी टॉपिक है टॉपिक वाइज आपको सिलेबस हमने बताया थे। 150 प्रश्न होंगे और 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा, गलत अंक के लिए 0.2 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो भी कोई बात नहीं, इसमें कोई बताने लायक जगह कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जो भी हाँ अभी लोग चलिए हाँ इसमें कुछ है आपके लिए, इसको भी देखते हैं। देखिए लिखा है शारीरिक मानक परीक्षा, फिजिकल शारीरिक मानक परीक्षा, अभी इसमें आगे हम आपको सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। ऊंचाई पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर रखी गई है, 168, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए देख लो, ठीक है महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक जो योग्यता है, ठीक ध्यान रखना 152 सेंटीमीटर है, कितने देख लीजिए 152 सेंटीमीटर, पिछड़े तथा अनुसूचित जातियों महिला भर्तियों के लिए 152 सेंटीमीटर, तो फीमेल के लिए मेरे बच्चों फीमेल के लिए कितनी है 152 सेंटीमीटर है, फीमेल 152 सेंटीमीटर, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला भर्तियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आरक्षण की छूट जो भी हो, चयन अंतिम योग्यता सूची, चलिए सीधे हम लोग सिलेबस पे आते हैं जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही तो मेन है सिलेक्शन के लिए, यही तो मेन है ये, अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए ये तैयारी हो गई, तो समझ लीजिए आप यूपीपी बन गए। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज, सारे वीडियो कल मैं सिलेबस के ऊपर बना के आपको दिया हूं, जनरल नॉलेज क्या क्या, जनरल नॉलेज में कौन कौन सा टॉपिक जनरल नॉलेज में आपको आने वाला है। देखिए लिखा है जनरल नॉलेज में सामान्य विज्ञान आएगी, भारत का इतिहास देख लीजिए, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृत, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत में उसके पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान देश, राजधानियां, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान खोज पुस्तक उनके लेखक, ये चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए सामान्य हिंदी में, सामान्य हिंदी का कल मैंने सिलेबस बताया, ठीक है देखिए हिंदी में जो है भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्वोत्तम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्यों, शुद्ध वाक्य करना, लिंग वचन कारक, कर्मां विशेषण, पूरी हिंदी रस छंद अलंकार सब कुछ रखा गया है, इतना ध्यान रखना। ये आपका संख्यात्मक योग्यता है, ठीक है मानसिक योग्यता है, इसके बाद जो है आपका रीजनिंग है, रीजनिंग भी है, देख लो रीजनिंग, बुद्धि लब्ध परीक्षक और तार्किक क्षमता देख लो, मानसिक, ये मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक अभिक्षमता, ये इसका जो है मेरे बच्चों
क्या है, सिलेबस है। तो इसकी पीडीएफ मेरे बच्चों पीडीएफ जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है। टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद नीरज सर, टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद नीरज सर, आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर इसकी पीडीएफ जो है सेंड कर दी गई है। आपको पता है हमारा ऐप का नाम है स्टडी विद नीरज सर, ऐप का नाम है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक। अगर आप यूपीपी बनना चाहते हैं तो वर्दी मिशन वर्दी बैच जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एक जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होंगे, 1 जनवरी से आपको क्लासेस ऐप पर प्रोवाइड की जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ ये 1900 रुपये का बैच, इसको जो है कम करके 499 का रखा गया है, ठीक है। आप जाके वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं यूपीपी की वर्दी बैच में, जिसको वर्दी से मोहब्बत है, जो पुलिस बनना चाहते हैं, जिसकी इच्छा है नौकरी करने की, 60,000 वैकेंसियों में अपना नाम बनाने का, 60,000 वैकेंसियों को अपना एक पद लेने का सपना साकार करने का, अपनी मम्मी पापा के सपने को साकार करने का, वो जाके वो बैच को ज्वाइन कर सकता है, वर्दी बैच। 1 जनवरी से बिल्कुल कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे यूपीपी की। हाँ, एक जो और चीज, इसके लिए कौन कौन सी बुक के लिए अगर बात करें तो मेरे बच्चों जो घटना चक्र है, ठीक है, ध्यान रखना, घटना चक्र प्रीवियस ईयर आप जरूर लगा के जाना, प्रीवियस ईयर जरूर लगा के जाना, क्योंकि यही मेन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट होते हैं हिंदी में, आपको बता दूं अगर आप पढ़ के जाएंगे 37 क्वेश्चन में कम से कम 30 क्वेश्चन आपको हिंदी के हूबहू मिलेंगे। आपको उसी पैटर्न पर आपको पढ़ना होगा जिस पैटर्न पर पुरानी परीक्षाएं आ चुकी हैं। जो क्वेश्चन समझ लीजिए आपको मैथ पढ़नी है तो मैथ का टाइम वर्क का जो क्वेश्चन होगा उसके आधार पर आपको टाइम वर्क का क्वेश्चन करना आता हो, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो सकती है। इसलिए आप जाइए, ठीक है, आप जाइए और जो है घटना चक्र को परचेस करिए। अगर आपको वर्दी बैच लेना है तो वर्दी बैच से भी लेकर के आप जो है काम चला सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दिया हूं, प्ले स्टोर से आपको स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर से स्टडी विद नीरज सर आपको डाउनलोड करना होगा। ऐप को खोलने के बाद मेरे बच्चों, ऐप को खोलने के बाद जो है आपको आपको सीधे कोर्स पे जाना होगा, ठीक। कोर्स खुलने के बाद आपको, जैसे आप खोलेंगे, तुरंत जो है हमारा बैच आ जाएगा, वर्दी बैच। ये मेरा वर्दी बैच है, देख लीजिए, वर्दी बैच है, ओनली 499 में है, ओनली 499 में है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। 60,244 पदों के लिए सिर्फ 499 में ये बैच है। अब इसकी विशेषताएं, इस बैच को लेंगे तो आपको क्या मिलेगा वो भी देख लो। देखो, अगर आप इसको लेते हैं तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन क्लासेस, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा पूरा, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कराए जाएंगे, 50 प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे। 1 जनवरी से मेरे बच्चों जो है इस पर ऐप पर क्लासेस प्रारंभ है। आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो आप 499 में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको अपनी एक जॉब पक्की करना हो, एक यूपीपी में जॉब पक्की करना हो, तो यहां से आप वर्दी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आज के लिए इतनी जानकारी थी, बाकी अभी आपको इसके बाद आपको यूपीपी का क्लास जरूर मिलेगा। आज हिंदी का वर्णमाला मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो बने रहिएगा और बहुत जल्द आपको इस पे एक टॉपिक मिलेगा। दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है। हाँ, जो पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अब रण युद्ध अब बिल्कुल चालू होगा और यूपीपी का खात्मा होगा। इस बार आप पक्का जो है पुलिस बनेंगे, गारंटी है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।